सो प्योरिटी इज द अटमोस्ट फिनोमेना। जितनी शुद्धता होगी, जितनी पवित्रता होगी, आप उसी लेवल पे वाइब्रेट करेंगे। उस समय सभी आपको अपने दिखने शुरू हो जाते हैं। पराया नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं। मैं जब शिविर लेता था तो फिर कुछ और साधक आने शुरू हो गए। कुछ दक्षिण भारत से साधक आते हैं, बाहर से आए, मॉरिशस से आए। बोला, बाबा जी आपकी भाषा हमको समझ नहीं आती, आप थोड़ा इंग्लिश में बोलो। बोला, बड़ा कठिन बात हो जाएगी, इंग्लिश में बोलना अभ्यास करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा बहुत। लेकिन मैंने उनसे प्रार्थना करी कि आप कनेक्ट करने की चेष्टा करो, क्योंकि जिस भाषा को मैं बोल रहा हूं, सुनने में तुम्हारे को इंग्लिश हिंदी लग रही है, लेकिन अगर गहरा कनेक्ट करोगे, सो इट इज अ लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशन। लर्न टू कनेक्ट टू दोज वाइब्रेशंस, तो कोई भी भाषा के हो आपको समझ आएगी। मैंने एक चीज देखा कि जो जापान के साधक, वो लोग बहुत आसानी से कनेक्ट कर रहे थे, और जैपनीज को ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, लेकिन जो भी मैं साधना करवा रहा था वो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते थे तो उनका ट्रांसलेटर ये बताता था कि बाबा जी ने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा अनुभव किया। तो कुछ लोगों ने कहा कि बाबा जी ने कहा इनको हिंदी इंग्लिश आती है, बोले नहीं आती, इनको कैसे पता चला? पता चल सकता है कनेक्शन। फिर मैंने इंग्लिश सीख ली थोड़ी बहुत बोलने। अब उस लेवल पे आने के बाद भाषा का कोई मायने नहीं रहता। अब मैं कुछ भी बोलता हूं, कुछ हिंदी बोल देता हूं, कुछ इंग्लिश बोल देता हूं। तो किसी ने मेरे से कहा कि देखो, आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? मुझे संकोच हुआ और मैंने कहा मेरी मातृभाषा ह्यूमैनिटी है, मानवता है। और उस हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन में मैं बुद्धू हूं, पता नहीं क्या 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 बोल जाता हूं, आप नाराज नहीं होना। लेकिन वास्तव में जो मेरे भीतर से प्रवाहित हो रहा है, आई एम द अनकंडीशनल लव। तो उस समय कौन सी भाषा बोलता हूं, मैं उसका कोई महत्व, मेरे जीवन में तो कोई महत्व आता ही नहीं। तो बोले, अच्छा तुम्हारा धर्म क्या है? मैं फिर संकोच में आ गया, क्योंकि मेरा जब पूछ रहे हो तो इस शरीर का पूछ रहे हो या मेरा पूछ रहे हो? क्योंकि ये बड़ा कठिन सवाल है। तुम्हारा धर्म क्या है, तो तुम उसकी बात कर रहे हो जो इस शरीर के माध्यम से बोल रहा है, या जो शरीर तुम्हारे सामने बैठा है उसके बोल रहा है? जो ये शरीर जिसने लाल वस्त्र धारण किया है, वो तो सनातन में जन्मा है और सनातन का ही उसको ज्ञान है, सनातन है। लेकिन मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है परमात्मा, परम आत्मा। अब उस परमात्मा को कोई भी अपना ले, मैं उसका